क्या चाहिए? सालन चाहिए? आप लोग इधर ही बैठ रहे हैं दोनों? इसको पता ही नहीं है ये कितने चम्मच चीनी लेता है। खाना बहुत अच्छा बनाया आंटी आपने। क्लाउडी वेदर हो रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए अकेला छोड़ा था आपको और आपने ये क्या किया है? कोई बात नहीं, वेलकम और वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम सभी ठीक हैं, खुदा का शुक्र है। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी आंटी के घर पे। इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा है और हम लोग जा रहे हैं अपनी आंटी के घर पे। उन्होंने लंच पे हमें इनवाइट किया है और लॉयड, जैनी और मामा भी जा रहे हैं। मामा रेडी हो रही हैं और आज हम लोगों ने फिर शाम को कराची के लिए भी निकलना है वापस। सो मेरा दिल तो नहीं कर रहा है वापस जाने का दिल कर रहा है घर जाने का, लेकिन दिल उदास भी हो रहा है, दिल नहीं भी कर रहा है जाने का, लेकिन जाना है। तो बस अभी हम लोग चले जाएंगे शाम में कराची। और इस व्लॉग को आप लास्ट तक देखिएगा, आज के व्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है, अच्छा एंटरटेनिंग व्लॉग होगा। सो बस अभी हम लोग रेडी हो रहे हैं। सो गाइस, हम रेडी हो गए हैं और बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। जैनी रेडी हो रही है, जैनी भी हो गई है, हेलो। तो बस अभी हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं आंटी के घर पर। चलो हम लोग पहुंच गए गाइस। सो गाइस, ये देखें आंटी जो है ना हमारी शादी का व्लॉग देख रही हैं। एंटर होते ही हमारा शादी का व्लॉग। सो गाइस, जिन लोगों ने मेरा वेडिंग व्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जरूर देखना। लॉयड जैनी भी आ गए। जैनी ये देख सामने मेरा व्लॉग लगा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको अपना व्लॉग देख के? ठीक लग रहा है, बस अच्छा लग रहा है, बोलो बहुत अच्छा लग रहा है। सो गाइस, खाना जो है वो सर्व्ड है, तो बस यहाँ पे केल्विन खाने की दुआ कर रहे हैं और दुआ के बाद फिर हम खाना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, आंटी ने बहुत मज़े मज़े की डिशेस बनाई हैं। वेरी नाइस, देख देख के भूख लग रही है। आ जाओ, आए प्लीज़। ये लो आप लोग, क्या लेना है? राइस लेने, क्या चाहिए? सालन चाहिए? गाइस, केल्विन ने तो सिर्फ ये चटपटा चिकन और इसके बाद शायद एक कबाब ही टेस्ट किया था। जितने हेल्दी वो लगते हैं ना, इतनी ज़्यादा उनकी डाइट है नहीं, लेकिन मैंने सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी टेस्ट की थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिलिशियस और यमी बना था। आ जाओ मामा। दिस इज छोला। ओ वाओ, छोला चिकन। दिस इज छोला चिकन बिरयानी कबाब। और आंटी ये क्या है? चिकन। अच्छा, चटपटा चिकन एंड दिस इज कबाब बिरयानी और छोला चिकन रायता सैलड। आप लोग इधर ही बैठ रहे हैं दोनों? एंड हियर इज माय प्लेट, मैंने लिया है पुलाव। ये खा रहे हैं चटपटा चिकन। कैसा बना है? कैसा बनाया आंटी ने? अच्छा बनाया। बहुत टेस्टी, सब कुछ आंटी ने खुद बनाया घर पे, बहुत टेस्टी कबाब। बहुत टेस्टी है ना? बहुत अच्छा बनाया खाना। दो, इसको पता ही नहीं है ये कितने चम्मच चीनी लेता है। मुझे पता है, इसको पता ही नहीं है।
केल्विन की तो आप जो है पूरी चीनी डाल दो, मैं तो कहती हूँ केल्विन बहुत चीनी पीते हैं भाई। 2 स्पून हैं कम तो, मेरी भी आंटी 2 स्पून, मेरे भी 2 स्पून और जैनी के भी। खाना बहुत अच्छा बनाया आंटी आपने। तो बस अभी चलते हैं, चलें चलें चलो। आना कराची आओ ना, फिर मेरे घर भी आना। तो बस अभी हम जा रहे हैं घर। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, क्लाउडी वेदर हो रहा है। सो गाइस आ गए हैं हम लोग घर, घर आ गए हम लोग और बस अभी हैदराबाद जाने की तैयारी करेंगे। ओ कराची जाने की भूल जाती हूँ मैं। खोलिए खोल, पानी पीऊँ, प्यास लग रही है। बहुत गर्मी है बाहर, बाहर बहुत अब जोरी है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही है। वेदर बहुत क्लाउडी हो रहा है, मे भी बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं। सो गाइज ये देखें मेरा सूटकेस और ये सारे कपड़े फैले हुए हैं। अभी ये सब कुछ पैकिंग वैकिंग करनी है, आधे कपड़े वहाँ पे हैं तो अभी पैकिंग भी करनी है, फिर थोड़ी देर में निकलेंगे क्योंकि अभी खाना मैंने खाया हुआ है तो एकदम से नहीं निकल सकते, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो शाम में निकलेंगे थोड़ी देर में, जब तक मैं ये पैकिंग कर लेती हूँ कपड़े चेंज करके। गाइज हैदराबाद से निकलते वक्त जब मैं मामा लोग से मिल रही थी तो मैंने वो शूट किया था, लेकिन पता नहीं वो क्लिप्स कहाँ चले गए। शायद मैंने केल्विन के मोबाइल में शूट किया था और केल्विन से शायद वो मिस्टेकनली डिलीट हो गए। सो गाइज फाइनली पहुँच गए हैं हम अपने घर, टाइम से पहुँच गए। हम लोग निकले थे तकरीबन 10 बजे। वेलकम होम, खुदा का शुक्र है खैर खैरियत से हम लोग पहुंच गए और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं आई गेस, और बिल भी आ गया। आते ही बिल ने जो है वेलकम किया है। ये देखें गाइस बेडशीट का हाल देखें, ये घर का हाल देखें। सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए अकेला छोड़ा था आपको और आपने ये क्या किया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब आते ये सारा पहले समेटना पड़ेगा, बेडशीट चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर सोएंगे। कपड़े धोए थे, ये देखें कपड़े धोए थे हर जगह कपड़े। बहुत बुरा हाल किया आपने बेडशीट का, वो देखो वहां से। मुझे लगता है सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, उनको अगर अकेले रहने का घर में मौका मिल जाए तो घर का हशर नशर कर देते हैं। लॉयड भी ऐसी करता है और केल्विन ने भी ऐसी किया। ऐसी किया ना आपने भी? नहीं, अभी आप ये मेरे साथ समेटोगे सारा। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्यास लग रही है, सबसे पहले तो पानी पीऊंगी। और गाइस ये मामा ने मुझे खाना भी दे दिया पैक करके, क्योंकि मामा को पता था हम लोग लेट पहुंचेंगे रात में, तो इसलिए उन्होंने खाना दे दिया ताकि कोई परेशानी ना हो। तो बस अभी केल्विन गए हैं रोटी लेने के लिए, भूख भी बहुत तेज लग रही है, जैसे ही वो आते हैं फिर हम खाना खाएंगे। सो केल्विन आ गए रोटी लेके, ले आए, लाओ बस मैं निकालती हूँ, आप फ्रेश हो जाओ, सही है। सो गाइस फाइनली हम अपने घर खैर खैरियत से पहुंच गए हैं, खुदा का शुक्र है खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गए हैं और इस वक्त 12:30 हो रहे हैं आई गेस, है ना। सो 10:45 हम लोग वहाँ से निकले थे, 12:30 अपने घर पे बैठे हैं तो टाइम से घर पहुंच गए हम लोग। और मैं मामा को लॉयड जैनी को बहुत मिस कर रही हूँ, घर पे पहुंचते ही हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा आया। आपको मजा आया? बिल्कुल बहुत मजा आया और मैं लॉयड को सबसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अपने दोस्त को मिस कर रहा है ये। तो खैर हमने बहुत वहाँ पे इंजॉय किया, हमने बहुत ऊनो खेला और मैं एक आध दफा ही जीती हूँ कोई, लेकिन बहुत मजा आया, हमने बहुत ज्यादा इंजॉय किया। तो ये हैदराबाद का ट्रिप जो था हमारा 1.5 हफ्ते का, बहुत ही अच्छा रहा। एंड आई होप हमारे साथ साथ आपने भी व्लॉग देख देख के इंजॉय किया होगा। तो बस अब वही रूटीन स्टार्ट है और कल से वही रूटीन है, आपने जॉब पे जाना है। और बस अभी मैं इस व्लॉग को गाइज यहीं पे एंड कर रही हूँ। गाइज अगर आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया है देन प्लीज डू लाइक कमेंट बिलो, हिट द बेल आइकन बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलूंगी आपसे, हम मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें। बाय बाय।